सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल द परफेक्ट क्लासेस में प्यारे बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दिया जाने वाला आकलन कार्य पत्रक 9 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान का आकलन है और कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है और ये 14/12/2021 का आकलन है। चलिए अपने आकलन कार्य पत्रक को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने गोले को काला करना है आपको, ठीक है। गोले को आपको काला करना है, मैं लाल करूंगा लेकिन बेटा आपको काला करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नयानार के भक्त थे, नयानार किसके भक्त थे? तो बेटा बहुत आसान ट्रिक है इसको याद करने की, नयन किसके 3 नयन होते हैं, नयन माने आंख, किसकी तीसरी आंख होती है? वो है भगवान शिव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवार के गीत में संकलित है, अलवार के जो गीत है डैश में संकलित हैं, तो अलवार के गीत किस में संकलित हैं? दिव्य प्रबंधन में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, दिव्य प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगम साहित्य मुख्य रूप से डैश भाषा में लिखा गया, तो संगम साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिल भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर तक कौन लेकर आए थे? उनका नाम है बेटा रामानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर डैश के समर्थक थे, तो शंकर जो थे किसके समर्थक थे? ये क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं। शंकर किसके समर्थक थे? शंकर अद्वैतवाद के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, वीर शैव आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में डैश में प्रारंभ हुआ था, तो वीर शैव आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? यह आंसर आपको बताना है, तो वीर शैव आंदोलन महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध वीर शैव आंदोलन से नहीं है? आपको बताना है नहीं है, तो बासवन्ना इसका भी है, अल्लामा प्रभु इनका भी है, हक्का महादेवी इनका भी है, तो मणिक्व सागर का नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा विशिष्ट द्वैतवाद। ये विशिष्ट विशेषता है कि आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपना अस्तित्व बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 प्रकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना सा और दूसरा कारण का, कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एक संकल्पना दी हुई है जो कि स है और कारण है का, तो आपको बताना है कौन सा सही है। जैसे नामपंथी सिद्ध एवं योगियों ने भक्ति मार्ग के लिए आधार तैयार किया, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। और इसका क्या कारण था? उन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों की आलोचना की, ये इसका कारण बिल्कुल ठीक है। तो हम कह सकते हैं कथन और कारण जो है, यानी संकल्पना और कारण दोनों सही हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गलत मिलान की पहचान कीजिए, शंकर अद्वैतवाद हम ऊपर पढ़ चुके हैं, रामानुज का संबंध विशिष्ट द्वैतवाद से है, बिल्कुल ठीक है, बासवन्ना का वीर शैववाद से है, और महाराष्ट्र के संत सूरदास ये बिल्कुल गलत है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार मैंने आपके साथ में ये आकलन जो है, आकलन कार्यपत्रक जो है डिस्कस किया है। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।